बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, दो फंक्शन है हमारे पास, एक्स लॉग 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। लेकिन हम यहाँ पे पहले फंक्शन कौन सा लेना, हमने लॉगरिथम का, तो लॉगरिथम ऑफ 2x इंटू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। पहला पार्ट हमने log 2x लिया है, तो लॉगरिथम ऑफ 2x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन लॉगरिथम ऑफ 2x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x dx dx। ठीक है, लॉगरिथम 2x एज इट इज हो गया, x का इंटीग्रेशन लेंगे एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, माइनस इसका डिफरेंशिएशन लॉगरिथम 2x का क्या होगा, 1 अपॉन लॉग का होता है 1 अपॉन 2x, एंड 2x का क्या बन जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा भाई। लॉगरिथम का लिया हमने पहले एंड देन 2x का 2 हो गया। इंटीग्रेशन करना हमने, इंटीग्रेशन साथ के साथ रहेगा, साइन x का करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 dx। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से ये x कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 लॉगरिथम ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 लॉगरिथम ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस का कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 कॉमन लेना चाहें ले सकते हैं, एक्स स्क्वेयर लॉग 2x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस का सी, आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे भी हमारे पास दो फंक्शन है, एक्स स्क्वेयर एंड लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना बाई पार्ट्स करेंगे, लेकिन पहले हम फंक्शन कौन सा लेंगे, लॉगरिथम एक्स को हम पहला पार्ट लेंगे एंड एक्स स्क्वेयर को हम दूसरा पार्ट लेंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो हमारा पहला फंक्शन जो है वो है लॉगरिथम एक्स, वो एज इट इज हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज लॉगरिथम ऑफ एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स इंटू डी एक्स हो गया। लॉग एक्स, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन लॉगरिथम एक्स का 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 डी एक्स, यहाँ पे वैल्यू होगी एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉगरिथम ऑफ एक्स माइनस ये एक्स से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब स्क्वेयर बचेगा, 1 अपॉन 3 हमारे पास ये रहा। हमने इंटीग्रेशन किसका करना है, एक्स स्क्वेयर का, एक्स स्क्वेयर का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे x की 3 अपॉन 3 प्लस का क्या हो जाएगा, c हो गया। तो लास्ट आंसर देखें, एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉगरिथम ऑफ x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस c इज योर आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान से थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेट करना है हमने x साइन इनवर्स x dx। इसके दो मेथड हैं, या तो आप साइन इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन मान के, x को सेकेंड फंक्शन मान के, वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। हम अगर इसको दूसरे तरीके से करें, लेट हम क्या माने, x इज इक्वल टू साइन थीटा मान लेते, साइन इनवर्स को ख़त्म करने के लिए x इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, साइन थीटा मान लिया, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे dx किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा, तो dx की वैल्यू हमारे पास ही हो जाएगी। सो हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, x की जगह हो गया हमारा साइन थीटा इंटू साइन इनवर्स, x की जगह हमारा साइन थीटा हो गया एंड कोस थीटा डी थीटा, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा ही बचेगा, तो थीटा मैंने बाहर ले लिया, इसको सोल्व करके हमारे पास क्या बचा, थीटा, थीटा ये हो गया साइन थीटा
इंटू कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी हम तीन की बजाय इसको दो फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको टू से मल्टीप्लाई किया, हम ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन टू थीटा इंटू टू साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा साइन टू थीटा, थीटा इंटू साइन टू थीटा डी थीटा। अब दो फंक्शन है हमारे पास, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो क्या होगा, वन अपॉन टू हमारे पास पहला फंक्शन एज इट इज, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन साइन टू थीटा डी थीटा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफ्रेंसिएशन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू थीटा डी थीटा डी थीटा। यहाँ पे क्या रहेगा, वन अपॉन टू थीटा साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन साइन का माइनस कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, टू थीटा का ऑप्शन टू है उससे डिवाइड करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये वन बन गया, इसका सेम यही बनेगा माइनस कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू इंटू डी थीटा हो गया। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, माइनस सॉरी माइनस ऑफ थीटा कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई फोर हो गया, माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, वन अपॉन टू भी मैं बाहर ले लूँ, वन अपॉन टू बाहर ले लिया, कोस टू थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे कोस टू थीटा डी थीटा, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास माइनस थीटा कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई फोर प्लस का वन अपॉन टू कोस टू थीटा साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू एंड प्लस का कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें यहाँ पे या तो साइन थीटा में चेंज कीजिए थीटा की वैल्यू, यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, ये तो साइन इनवर्स एक्स में हो जाएगा, इनको भी चेंज करना पड़ेगा हमें, माइनस थीटा कोस टू थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा होता है डिवाइडेड बाई फोर प्लस का वन अपॉन फोर साइन टू थीटा क्या होता है टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस का सी। अब कोस थीटा भी चेंज करेंगे हम यहाँ पे माइनस थीटा, या माइनस को अगर मैं अंदर लेके जाना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको पहले प्लस लिख लीजिए, टू साइन स्क्वेयर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर प्लस का यहाँ टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू आ गई, वन अपॉन टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा जो होता है, ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, कोस थीटा होगा रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय टू है वन अपॉन टू, सॉरी ये जो वन अपॉन टू था ये छोड़ दिया अभी हमने, क्योंकि वन अपॉन टू दोनों के साथ आएगा, इसके साथ तो है ही है, यहाँ पे भी आएगा साथ के साथ, तो वन अपॉन टू से यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, फिर वन अपॉन टू इनके साथ मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू ये था वन अपॉन फोर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास वन अपॉन फोर एंड वन अपॉन फोर इंटू टू ये वन अपॉन एट होगा एंड टू से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा वन अपॉन फोर साइन थीटा कोस थीटा वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस का सी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए थीटा की भी और साइन थीटा की भी, थीटा की वैल्यू मेरे पास है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स टू साइन थीटा एक्स है टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर प्लस वन अपॉन फोर साइन हमारा क्या है एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी हो गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, हम इसको पहला फंक्शन और इसको दूसरा फंक्शन लेके भी कर सकते थे, बट वहाँ पे आगे आपके पास एक रूट में ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर या ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर,
इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। बट जब ये इंटीग्रेशन ये हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ, अभी तक हमने नहीं किए हैं इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से करवाया आपको, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।